आज हम आपको रेलवे में पूछा गया, आज जवाब बता रहे हैं रेलवे। आज मैं आपको रेलवे में पूछा गया था, अलजेब्रा पलट करके बता रहे हैं या रेलवे ऐसे सर में पूछा गया है। पहला अलजेब्रा है आपका, यदि 8a - b² = 24 और 8b + b² = 56 मतलब 56 हो तो a + b = क्या होगा। ऑप्शन है आपका 3, 7, 10, 80। 80। देखिए सवाल है आपका 8a - b² = 24 एंड 8b + b² = 56, तो a + b आपको निकालना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों का आप देख लीजिए। 8a लिख दीजिएगा, बी स्क्वायर करके 24 लिख दीजिएगा, 8b करके 20 करके आपको 56 लिख देना है। माइनस प्लस कट गया, दोनों में 8 कॉमन है, 8 को बाहर ले लीजिएगा, a + b कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 4 10 की 0 5 2 7 1 8 80। कटा दीजिएगा कितना हो गया, 10 आपका आंसर हो गया 10। दूसरा सवाल है कि यदि 20² = 16, q² = 36, q² = 36 है तो q - p का सबसे अधिकतम संभव मान होगा। तब देखिए p² तो जब निकालिएगा क्या होगा, प्लस माइनस में 4, क्यू निकालिएगा प्लस माइनस 6, निकालना है q - p मतलब 4 - -6 क्या हो जाएगा, 4 - - प्लस 6 10। अधिकतम बोल रहा है इसलिए हमने माइनस और इसको माइनस वाला लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हो गया सवाल। देखिए तीसरा सवाल है आपका, यदि 8x + 2 = 64 हो तो आपको निकालना है 3x + 1 का मान निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है 1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 27, चौथा ऑप्शन है 81। कुछ नहीं करना है हमको, इसको देखना है पहले। x + 2 = 64 को तोड़ दीजिए, 8 पे स्क्वायर, 8 8 कट गया, x में क्या हो जाएगा 2 + 2 इधर आएगा, -2 क्या हो गया, x का मान 0 रख दीजिए इस पे, 3 2 है, x के साथ 0 + 1 क्या जाएगा 3 2 × 1 मतलब 3² = 9 हो गया आंसर आपका। चौथा नंबर देखिए बोल रहा है, यदि 7x + 5y = 13 तथा 2x + 7y = 26 हो तो आपको निकालना है 5x + 2y = क्या होगा। ऑप्शन है इसका 9, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 22। तो हम यही जान जाते हैं कि हमको 13 पुराना है, 7x + 5y = 13 है। हमने क्या किया, x का मान -1 ले लिया और y 4 ले लिया, क्यों लिया तो देखिए 7 × -1 + 5 × 4 तो -7 + 20 13 × 7 = 20, 13 पूरी गया, 25 में मान धर दिया हमने, 5 - 1 + 2 × 4 - 5 + 8 = 3 हो गया आंसर। पांचवा नंबर सवाल है आपका, यह एसएससी में पूछा गया है और रेलवे में पूछा गया है, a² + b² = a² b² हो तो आपको a² + b² = 6 क्या होगा। तो है 0, b नंबर 1,
है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी है टू। देखिए इसमें क्या करते हैं इसको देखते हैं, हम ए पे पावर फोर प्लस बी पे पावर फोर इजकल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम बी को जीरो मान लेते अपने मन से, जीरो माना ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, तो इसका मतलब जीरो। ए पे पावर फोर इजकल टू जीरो, ए का मान जीरो, इस पर रख दीजिए आप, ए का मान जीरो और बी का पहले से जीरो माने। इस तरह का सभी सवाल रेलवे में पूछा गया है, रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आने वाला जो आपका ए सी है, टी सी है, जे सी है, ग्रुप डी है, ए एस एम है, ड्राइवर है, इस सब में सवाल पूछा गया है। इस तरह का अलजेब्रा हम बता देंगे, क्योंकि यह सब अलजेब्रा हमने रेलवे का बुक से ही उठाया है। पसंद आ गए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा।